YouTube दर्शकों को जय श्रीनिवासन गुरु जी का नमस्कार। आप सबको काल निर्णय कार्यक्रम के लिए स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक विशेष डेट के बारे में, विशेष तारीख के बारे में, 22 टू 2022। क्या है गुरु जी इतना 22 टू 2022, कितना टू है इसमें? हाँ, बहुत पावरफुल डेट है, इसके बारे में बात करने जा रहे हैं हम। बहुत दिन के बाद मैं वीडियो कर रहा हूँ। आप सब लोग जय श्रीनिवासन टीवी हिंदी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नए नए वीडियो के लिए बेल आइकन को विदाउट फेल प्रेस करें। 22 टू 2022, क्या क्या प्लस पॉइंट्स है द्वादश राशियों के लिए? वो प्लस पॉइंट्स को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके बारे में क्या परिहार करना चाहिए, क्या उपाय करने चाहिए, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अभी आपको कुंडली दिखा रहे हैं, देखिए 22 टू 2022 5 AM के लिए एक कुंडली निकाला है हमने। अब देखा तो 22 2+2=4, 4 रिप्रेजेंट्स राहु ग्रह। राहु करके बोला तो आपको मालूम है वेरी वेरी पावरफुल प्लैनेट है, और उस रोज का नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र। स्वाति नक्षत्र का अधिपति स्वामी है राहु। देखिए क्या यूनिकनेस है, डेट के मुताबिक, न्यूमरोलॉजी के मुताबिक देखा तो भी राहु ग्रह आता है, वैसे नक्षत्र का मुताबिक देखा तो भी राहु ग्रह आता है। वेरी वेरी पावरफुल कॉम्बिनेशन है। योग, राजयोग, विपरीत राजयोग, किन किन राशियों को देखेंगे? अभी 4 राशियों के लिए बहुत बड़ा राजयोग है, और 8 राशियों के लिए कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। क्या परिहार किया तो राजयोग आता है, वो देखेंगे अभी। पहले मेष राशि। मेष राशि का अधिपति है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह 9th प्लेस में धनुराशि में है। मंगल ग्रह राशियाधिपति है मेष राशि का, 9th प्लेस में, भाग्य स्थान में, वो भी 2nd और 7th लॉर्ड के साथ, शुक्र ग्रह के साथ है, तो विपरीत राजयोग आएगा। पॉकेट में 10 रुपये रहता है तो भी आप 100-200 रुपीज़ का प्लान के लिए प्लान कर सकता है। आपका भलाई होगा, भाग्योदय होगा, आप ट्राई करो। और 2nd प्लस पॉइंट है 10th प्लेस का अधिपति सैटर्न, कर्मस्थान 10th प्लेस का अधिपति है, वो पावरफुल 10th ओन प्लेस में बैठा है बुध ग्रह के साथ, वंडरफुल कॉम्बिनेशन। इससे भी बढ़ के एक राजयोग है, कहे क्या है कि मेष राशि का पंचम स्थानाधिपति करके बोलते हैं ना सूर्य ग्रह, वो 11th प्लेस में, एकदशा स्थान, और 9th लॉर्ड करके बोलते हैं मेष राशि को, मेष राशि का 9th लॉर्ड करके बोलते हैं गुरु ग्रह को, वो भी 11th प्लेस में, एकदशा स्थान, कोटि दोष निवारण। 11th प्लेस में सूर्य और गुरु के साथ जीवात्म संयोग है, ऑलमोस्ट 3-4 ग्रह का संयोग, कॉम्बिनेशन ऑफ द प्लैनेट्स, बहुत अच्छा पोजीशन में मेष राशि के लिए भाग्योदय होगा। और 2nd राशि है तुला राशि। तुला राशि स्वाति नक्षत्र में ही है वो डेट, उसके लिए तो तुला राशि वालों के लिए भी भाग्योदय का समय है। राशियाधिपति शुक्र ग्रह, वाक्स्थानाधिपति धनस्थानाधिपति और सप्तम स्थानाधिपति के साथ धनुराशि में है, प्रयत्न स्थान में है, धैर्य स्थान में है। इट्स वेरी वेरी वंडरफुल प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन। 4th लॉर्ड सैटर्न शनि ग्रह 4th में, वो भी भाग्य स्थानाधिपति करके बोलते हैं 9th लॉर्ड के साथ, 4th लॉर्ड विथ 9th लॉर्ड, शनि और बुध ग्रह कॉम्बिनेशन है, वंडरफुल कॉम्बिनेशन। 11th लॉर्ड करके बोलते हैं तुला राशि को सूर्य ग्रह, वो भी 5th प्लेस में गुरु के साथ है। तुला राशि वालों के लिए भी भाग्योदय है, विपरीत राजयोग, राजयोग के बाद बहुत अच्छा राजयोग मिलेगा। और 3rd राशि, 3rd राशि क्या है कि मकर राशि। मकर राशि का मतलब राशियाधिपति, राशि का स्वामी करके जो बोलते हैं शनि ग्रह, और धनस्थानाधिपति वाक्स्थानाधिपति 2nd लॉर्ड,
फर्स्ट एंड सेकेंड लॉर्ड शनि ग्रह ये मकर राशि का, सो वो मकर राशि में है, वो भी बुध ग्रह के साथ। बुध ग्रह करके बोला तो इंटेलिजेंट का प्लैनेट है, इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट करते हैं ना वो प्लैनेट है, वो शनि ग्रह के साथ वंडरफुल कॉम्बिनेशन है। और सेवेंथ प्लेस का स्वामी चंद्र वो टेंथ प्लेस में बहुत पावरफुल पोजिशन है, सो ये भी मकर राशि वालों को अच्छा करेगा, भाग्योदय का टाइम है। और फोर्थ राशि मीन राशि, मीन राशि का अधिपति, मीन राशि में क्या है कि मीन राशि का सेकेंड लॉर्ड एंड नाइन्थ लॉर्ड करके बोलते हैं ना मंगल ग्रह, वो टेंथ प्लेस में, वो भी शुक्र ग्रह के साथ है, वंडरफुल कॉम्बिनेशन। उसके साथ फोर्थ एंड सेवेंथ लॉर्ड करके बोलते हैं ना बुध ग्रह, वो भी इलेवेंथ लॉर्ड के साथ शनि स्वामी के साथ है, शनि और बुध का कॉम्बिनेशन वंडरफुल कॉम्बिनेशन है, सो वो भी मीन राशि वालों के लिए भाग्योदय करेगा। सो चार राशियों को मैं योग राजयोग विपरीत राजयोग बोला है। गुरु जी और आठ राशि में हम पैदा हुआ ना हमारा क्या होगा? आपको लिए भी योग राजयोग सभी आएगा, क्या परिहार करना है, क्या उपाय करना है वो देखो। 22/2/2022 एट नंबर्स में एक डेट करके बोलता है तो एट नंबर्स आता है, एट नंबर्स में आउट ऑफ एट नंबर्स सिक्स टूस आ गया। टू रिप्रेजेंट्स मून, मून रिप्रेजेंट्स वाटर, मून रिप्रेजेंट वाटर, सो वो वाटर का जो जल तत्व है ना, जल तत्व में थोड़ा वैसे नेचुरल कैलामिटीज करके जो बोलते हैं वो होने का चांसेस अपना स्टेट में, राज्य में, राष्ट्र में, क्यों बोलते हैं दुनिया में, सो टोटल वर्ल्ड में, सो प्रपंच शक्ति करके जो बोलते हैं पंचभूत का, पंचभूत कंट्रोल करते हैं प्रपंच शक्ति को, उसमें जल तत्व, पृथ्वी तत्व, अग्नि वायु और आकाश तत्व, ये अग्नि वायु आकाश तत्व सेकेंडरी में रहते हैं, बट पृथ्वी और जल तत्व का थोड़ा इम्बैलेंस होगा, वो इम्बैलेंस नहीं होना है, वो इम्बैलेंस हो गए तो ये राशि का पल रखे हम क्या करेंगे? उसके लिए तो अपना सनातन हिंदू धर्म में ऐसा बोलते हैं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सर्वे जना सुखिनो भवन्तु, वसुधैव कुटुंबकम्। ये सब लोगों को अच्छा होना है ना, उसके लिए तो आप अपना राशि अच्छा है, अच्छा अपना राशि वालों को अच्छा होना है। और जो मैं राशिफल में आठ राशि को नहीं बोला है ना, ये कैसा रहता है करके, उन लोगों को और टोटल जो हम दुनिया में रहते हैं सब लोगों को अच्छा होने के लिए एक उपाय करो। ये अगर नेगेटिव होने वाला है 22/2/2022 का नेगेटिव रहता है वो नलीफाई होके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलना है करके, एक ब्रांज करके बोलते हैं, ब्रांज का एक दिया आता है, आप गूगल में सर्च करो ब्रांज का कल्पवृक्ष दिया दीप, ओके वो तो ब्रांज में आता है, ब्रांज करके बोला तो ब्रास और ब्रांज का डिफरेंस है, वो मैं हिंदी में बोल नहीं पा रहा हूँ उसके लिए तो इंग्लिश में बोला ब्रांस करके, वो तो मैग्नेट रखा तो मैग्नेट नहीं पकड़ता है, ओके सो ब्रांस चाला पावरफुल ओल्ड मटेरियल है, वो मटेरियल में आपको दिया मिलता है, उसको आप 14th परचेस कर सकता है, 15th परचेस कर सकता है, 19th परचेस करके 22nd को वो तिल ऑयल बोलते हैं ना, तिल ऑयल में दिया जलाना है, मॉर्निंग इवनिंग नाइट जला सकते हैं, वो दीप को आप परचेस करके रख दिए तो ये डेट तो आपको आएगा, ये डेट में आप दिया जलाया करके आप रखा तो एक नोट करके रखा तो जितना दिन आएगा ये डेट फिर मिलने के लिए आपको उतना अच्छा दिन है, उतना अच्छा पावरफुल दिन है, उसके लिए तो आपका टोटल फैमिली के लिए, आपका वंश वंश के लिए, सूर्य चंद्र जब तक रहता है तब तक के लिए अच्छा होने के लिए ये संकल्प करके दिया जलाया तो अच्छा रहता है। मॉर्निंग 5 o'clock, 6 o'clock, 7 o'clock, 11, 12, 13 आवर्स और 17, 18, 19 आवर्स को जला सकता है, दिया जला सकता है, आपको बहुत अच्छा होगा। इसके साथ इधर भारत देश में आंध्र प्रदेश में कदरी करके एक प्लेस है, लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी का एक बहुत बड़ा टेम्पल है, वेरी वेरी ओल्ड टेम्पल, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो बिल्ट किया हुआ टेम्पल है, वो टेम्पल में ओनली स्वाति नक्षत्र को अभिषेक करता है, मूल विराट मूल विग्रह को, उसके लिए तो हो सकता है तो दर्शन कर लेना, दर्शन करना मुश्किल है, उसके लिए तो वो गूगल में सर्च करके
कदरी लक्ष्मी नरसिंह स्वामी का एक फोटो प्रिंट मिलता है। प्रिंट आप कहीं भी अमेरिका में रहो तो भी प्रिंट ले सकता है, लेके अपने डायरी में रख सकता है। जस्ट हो सकता है तो लक्ष्मी नरसिंह स्वामी का स्तोत्र पठन करना, नहीं तो ओम श्री कदरी लक्ष्मी नरसिम्हाय स्वा नमः, ये इतना बोलने में भी अच्छा होता है। ये तो आप करो, क्योंकि दिस डेट इज़ अ वेरी 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 पावरफुल डेट है। ये पावरफुल डेट में एक दो हो सकता है, बहुत अच्छा नहीं तो बहुत बुरा। पावर में वही हो सकता है, पावर में दो तीसरा होने का चांस ही नहीं है। बहुत अच्छा पावर में हो सकता है, बहुत बुरा भी पावर में हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव साइड करके बोलता है। सो उसके लिए तो 22/2/2022 आपको पावरफुल डेट हो के आपको पॉजिटिव ही होना है, नेगेटिव कम होना है करके प्रार्थना करके ये दिया जलाने के लिए आप सब लोग स्टार्ट करो। सो टोटल वर्ल्ड को एक पीस, एक हैप्पीनेस, क्योंकि पिछले 2 साल से सब लोग थक गए हैं ये करोना, ओमिक्रॉन, डेल्टा वायरस सब करके। इसके बाद कुछ नेचुरल कैलामिटीज हो गए तो कोई बचने का चांस नहीं है। उसके लिए तो अपना राशि है, हम अच्छा रहना है, उसके साथ सब लोग अच्छा रहना है, ये बोल के सो हम वीडियो ये कर बात कर रहे हैं। सो नए वीडियो के साथ, सो नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सर्वे जना सुखिनो भवन्तु, वसुदैव कुटुंबकम्।